यमुना नगर जगाधरी विधानसभा के गांव खदरी में आयोजित जनता दरबार में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा एक्शन। जनता दरबार में गैर हाजिर रहने वाले और जनता के कामों में लापरवाही करने वाले छछरौली बिजली विभाग में कार्यरत एसडीओ कमल पानरा और जेई कृष्ण सैनी को कृषि मंत्री ने किया सस्पेंड। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जनता के कामों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिजली विभाग एक एसडीओ और जेई को सस्पेंड किया गया है। गांव वालों द्वारा इन दोनों अधिकारियों की बहुत शिकायतें मेरे सामने आई। पहले भी जनता दरबार कार्यक्रम में ये अधिकारी नहीं आए और आज भी यह जनता दरबार में पहले तो नदारद रहे और फिर बहुत देर बाद आए। लोगों ने बताया कि यह न तो कार्यालय में उपस्थित रहते हैं और न ही किसी शिकायत पर कार्रवाई करते हैं, इसके चलते इन दोनों को सस्पेंड किया गया है। उन्होंने कहा, अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं और जनता के कार्यों को प्राथमिकता से करें, नहीं तो लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए वे हर सोमवार अपने कार्यालय और शुक्रवार को अलग अलग जगह पर जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं और इस बीच जो भी समस्याएं आती हैं उनका मौके पर ही समाधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि आगे भी इसी प्रकार जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को समाधान किया जाएगा। पिछली बार भी हमने लोगों की समस्याएं सुनी तो मेरे ख्याल उस टाइम भी ये अधिकारी लापता था, उस बार भी आया नहीं था। अब की बार भी जानकारी दी गई थी लेकिन इस समय पर नहीं आए। जब हमने आदेश कर दिया उसका, उसके बाद शायद उसको कहीं से जानकारी मिली तो तब ये आए, उसके बाद आए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर जिम्मेदार रहे रही है और वैसे भी लोगों की काफ़ी शिकायत है। तो सस्पेंड किया गया सर? हाँ बिल्कुल, एक दे और एक यूनिवर्सिटी को सस्पेंड किया सर। तो लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे जो अधिकारी को खिलाफ काफी होंगे। हर सप्ताह के शुक्रवार के दिन हम शुरू से ही लोगों की समस्याएं सुनते हैं। पहले मैं खिदराबाद और छछरौली में सुनता था, अब मैंने आज खदरी और लिद्दी में मैंने प्रोग्राम रखा है। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम हम और रखना चाहते हैं, जैसे देवदर में है, बकरवाड़े में है, कोट में है, कुछ और बीच बीच में, ताकि कुछ लोगों को उससे लाभ रहता है, जो उनको नज़दीक पड़ता है उनको लाभ रहता है। तो ज़्यादातर समस्याएं तो जैसे जो पेंशन की है, कुछ थोड़ी उम्र का कोई इस प्रकार की दिक्कत है कि उसके प्रमाण भी हैं, इस प्रकार की भी समस्याएँ कुछ हैं और कुछ फैमिली आई डी की समस्याएँ भी हैं। कुछ प्रकार की समस्याएं ज़्यादा है, कुछ बिजली की भी समस्या है, मान लीजिए पोल यहाँ से फाड़ना है, दूसरी जगह लगाना है, इस प्रकार की, या तार खींचनी है या तार ढीली है, इस प्रकार की कुछ समस्याएं आती है। तुरंत ही हमने उनका समाधान किया। जगत महान न्यूज के लिए यमुना नगर से गौरव जोली की रिपोर्ट।